क्यों जियाकार बनूं, सूद फरामोश रहूं, फिक्रे फरदा ना करूं, महवे हमें दोष रहूं, नाले बुलबुल के सुनूं और हमातन गोश रहूं, हमनवा मैं भी कोई गुल हूं के खामोश रहूं। जुरत आमोस मेरी हताबे सुखन है मुझको, शिकवा अल्लाह से खाकम बदहन है मुझको। है वजह शेवाए तस्लीम में मशहूर हैं हम, किस्साए दर्द सुनाते हैं कि मजबूर हैं हम। साजे खामोश हैं, फरियाद से मामूर हैं हम, नाला आता है अगर लब पे तो माजूर हैं हम। यारब शिकवाए अरबाबे वफा भी सुन ले, खूगरे हम से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। मैं मौका की मुनासिबत से सबसे पहले यहाँ के ऑनरेबल प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल का मशहूर हूँ कि आप लोगों ने आज इस इंतहाई पूर्वकार तकरीब में मुझे ये शर्फ बख्शा। मेरे लिए यकीनन ये दिन नाकाबले फरामोश होगा और ये शायद मेरा फर्स्ट एक मौका है मेरे लिए कि मैं किसी और ऑर्गेनाइजेशन में एज अ जज आया हूँ। तो एक तो ये है कि आप लोगों को ये क्रेडिट जाता है कि जैसे आप लोगों ने ये सेरेमनी मुनक्कद की है और जिस तरह से लेके चल रहे हैं आप लोग, वाकई ही इसमें खराज तहसीन के काबिल हैं। और माशाल्लाह जैसे बच्चों ने परफॉर्म किया है, दे डिड देयर बेस्ट। मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा उन तमाम असातिज़ा से जिन्होंने इन बच्चों को तैयार किया कि हमारी सरकारी जुबान भी आप समझते हैं कौमी जुबान जो है हमारी वो उर्दू है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जहाँ पे हम कल्चरली बहुत पीछे जा रहे हैं उसमें हम अपने इस जुबान से भी महरूम होते जा रहे हैं। मैं तवक्को कर रहा हूँ कि लाजमी बात है आपके बच्चे जो हैं वो इंग्लिश का जैसे ही कॉन्टेस्ट एग्जामिनेशन शुरू होगा वो उर्दू की नस्बत बेहतर परफॉर्म करेंगे, लेकिन जो हाल हमारा उर्दू में है वो हमारे लिए सोचने का मकाम है, उलमा फिक्रिया है। बहुत सारे ऐसे अल्फाज थे जिन पे और बहुत सारे ऐसे अशआर थे, अगर हम थोड़ा सा उसको गौर व फिक्र कर लेते या हम, मैं रिकमेंड करूँगा उन तमाम असातिज़ा से बच्चों से जो उर्दू में नेक्स्ट तकरीर करना चाहते हैं या लेके चलना चाहते हैं, वो ज़िया महियुद्दीन को मरहूम को ज़रूर सुना करें, क्योंकि लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है वो चलता रहता है। तो आप अपने जो एक्सेंट को, आप अपनी जो तलफ़्फ़ुज़ को वो बेहतर करें। और बाकी ये है कि मटेरियल की जहाँ तक बात थी, मटेरियल वाकई बहुत अच्छा था, असातिज़ा ने बहुत मेहनत की है, लग रहा था कि वाकई कुछ है। बच्चों का जो राइज एंड फॉल का एक इशू था, हमने देखा है कि जो एक बॉडी जेस्चर होता है या अल्फाज का जो उतार चढ़ाव होता है ये कहीं पे हमें गुम होता हुआ नज़र आया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो इस काम को लेके चल रहे हैं वो ज़रा इस जो एरिया है उसको भी एड्रेस करें। तो सर तसद्दुक साहब के साथ मेरा जो एक ताल्लुक बना था दोस्ती का, वो मैं मरी एक एग्ज़ाम के सिलसिला में गया था, उस वक्त बाड़िया में थे, तो वहाँ से एक सिलसिला बना हमारे ताल्लुक का और अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ये चल रहा है। और मैं बहुत मशहूर हूँ सर आपका कि आपने आज मुझे याद रखा इस इदारे के लिए। मैं दुआगो हूँ ये इदारा जो है वो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे और इसके बच्चे जो है वो इस कौम का एक सही मानों में सरमाया बने और मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करे। सर अगेन आपका बहुत शुक्रिया, जजाक अल्लाह।